समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। झांसी में बढ़ती महंगाई के विरोध में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अरशद खान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही भाजपा की सरकार ने पिछले दिनों खाने पीने सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं पर GST लगाकर आटा, दाल, दूध, अस्पताल के कपड़े जैसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों का मूल्य बढ़ाने का कार्य किया। पहले से ही कमर तोड़ महंगाई की मार झेल रही आम जनता को मोदी जी के इस दमनकारी फैसले ने हिलाकर रख दिया है। झांसी से मनीषली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। पिछले दिनों से काफ़ी दिनों से महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। महंगाई की मार से आम जनता पूरी तरह से त्रस्त है। उसके बावजूद अब मोदी सरकार जो है दैनिक कुछ वस्तुएँ जो कि आम जन की, उनके दूध पीते बच्चों की जो दैनिक जरूरत की चीज़ें हैं, उस पर भी GST लगाने की कोशिश हो रही है। इसका हम लोगों ने आज यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन करने आए हैं और इस ज्ञापन के माध्यम से हमने राष्ट्रपति महोदय को ये मांग रखी है अपनी कि दैनिक वस्तुओं की चीज़ों पर, दूध दही जैसी चीज़ों पर, आटे दाल पर GST वापस लिया जाए, अन्यथा हम लोग इसको अपने प्रदर्शन को और उग्र करते चले जाएंगे। आज हमने ये देख लिया है कि मोदी सरकार के पास ना तो सेना के लिए पैसे हैं, ना ही आम जनता के लिए महंगाई को राहत देने के लिए पैसे हैं, लेकिन जो उनके कुछ पूंजीपति हैं, चंद पूंजीपति, पूंजीपतियों की ये सरकार है, उनके कर्जे माफ़ करने के लिए, जो अडानी 2.5 लाख करोड़ का लोन लिए हुए उनको और ज़्यादा लोन देने के लिए, जो लोन लेके भाग जा रहे हैं नीरव मोदी जैसे लोग, मेहुल चौकसी जैसे लोग, उनको पैसा लगातार उसके बाद भी दिया जा रहा है, उसके लिए पैसा है। लेकिन जो महंगाई से राहत देने की अगर सरकार कोशिश करे तो उसके लिए सरकार के पास ये बहाना होता है कि हमारे पास पैसे की कमी है। और जैसा हम पहले देखते थे कि गरीबों का भला पहले नंबर पे होता था, लेकिन आज गरीबों का खून चूस के और पूंजीपतियों के हित के लिए ये सरकार काम करती दिख रही है। पूंजीपतियों की ये सरकार, ऐसा लग रहा है कि पूंजीपतियों के लिए, उनके ही लिए ये सरकार बनी है और उनके हितों के लिए ये काम कर रही है। तो राष्ट्रपति महोदय के नाम पर ये जो हमने ज्ञापन दिया है, इससे हमारी ये मांग है कि GST जो दैनिक वस्तुओं पर है ये तुरंत वापस लिया जाए, नहीं तो हमारा ये प्रदर्शन, ये आंदोलन और उग्र होगा।